हेलो एवरीवन, माय नेम इज गिनी। यू आर वाचिंग अ न्यू वीडियो ऑफ लाडी कार एक्सेसरीज, करमपुरा न्यू दिल्ली। बेलिनो बेस मॉडल के अंदर आज हम लोग एक ऑडियो सेटअप कर रहे हैं। बेसिकली ऑडियो सेटअप के लिए आई हुई है। सर ने बोला एक अच्छे चार स्पीकर चाहिए, एक अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छा स्टीरियो चाहिए। इसके अलावा जो भी काम है वो मैं अगली बारी में कराऊंगा, बिकॉज गाड़ी कल आए थे पूछने के लिए, मेरे ख्याल कल ही डिलीवरी ली है, आज आए हुए हैं काम कराने के लिए। और बहुत अच्छा ऑडियो सेटअप हमने इसके अंदर करके दिया, जो एक्चुअली बेलिनो डिजर्व करती है। और पर्सनली हमेशा से मेरा यही मानना है कि हम जो कार के अंदर लगा रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, अप टू द मार्क होना चाहिए, ब्रांड होना चाहिए, और जितना कस्टमर का बजट है उसके अंदर हम उनको चीज़ वो दे देते हैं। इस कार के अंदर हम लोगों ने जो स्टीरियो लगाया है वो ऑंकियो का लगाया हुआ है। ऑंकियो इज एन जैपनीज ब्रांड। ये 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज के अंदर आता है, एप्पल कार प्ले एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस इसके अंदर, प्लस DSP एनेबल्ड है इसके अंदर। मैं आपको DSP के फीचर्स भी बताऊंगा, लाउडनेस ऑन ऑफ। उसके बाद इसके अंदर आप और भी बड़ी सारी सेटिंग्स कर सकते हो जो एक अच्छे स्टीरियो में होनी चाहिए। स्पीकर्स हमेशा की तरह ऑडिशन के स्पीकर्स लगाए हुए हैं इसके इसके ऊपर हमारा ट्रस्ट हमेशा से बड़ा ज़बरदस्त है। बट ये बेसिक सीरीज के स्पीकर हैं इसके अंदर जो हमने लगाए हैं, कॉम्पोनेंट जिसकी MRP 16,000 रुपीज़ पर पेयर की होती है। तो चारों डोर के अंदर हमने यही वाले कॉम्पोनेंट लगाए हैं, और डॉक्टर आर्टेक्स की हमने डैम्पिंग की हुई है। एक लुक आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लगती है डैम्पिंग करने के बाद। यहाँ पर हम लोगों ने इसकी डैम्पिंग की है, डॉक्टर आर्टेक्स इरेडियम सीरीज के अंदर हम लोगों ने डैम्पिंग की है। डॉक्टर आर्टेक्स रशियन ब्रांड है। क्रॉसओवर हमारा इधर हम लोगों ने लगा दी विद द टाई बेल्ट। प्रॉपर स्पीकर हम लोगों ने यहाँ पर लगाया विद द प्रॉपर इसका जो रेन गार्ड होता है। ट्विटर हम लोगों ने इसका डोर पैनल के बाहर ही फिट किया हुआ है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ट्विटर हम लोगों ने इसका यहाँ पर डोर पैनल के बाहर ही फिट किया हुआ है। फ्रंट वाले ट्विटर में हम लोगों ने ट्विटर सैश लगाई हुई है। आवाज़ बहुत अच्छी निकल कर आ रही है, डैम्पिंग आप ज़रूर कराओ, डैम्पिंग से ही आवाज़ निकलेगी, बिकॉज उस जगह को बंद कर देता है और अच्छी आवाज़ वहाँ से निकल कर आए, वही रिजल्ट के लिए हम लोग डैम्पिंग लगाते हैं, प्लस हमारी रोड नॉइज़ भी कम हो जाती है। एक अभी इसके बाद आपको स्टीरियो के फीचर्स दिखाऊंगा, इतना अच्छा स्टीरियो 2 GB रैम में अच्छे ब्रांड नेम के साथ बड़े रिलायबल और बड़े रीजनेबल पैसों में हमारे को मिल जाता है। यहाँ पर हमने जो स्टीरियो लगाया एक बार उसके बारे में ब्रीफिंग कर देते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेस मॉडल था, इसके अंदर फ्रेम हमारे को चेंज करना पड़ता है। हमने इसके अंदर पियानो ब्लैक ही फ्रेम लगाया हुआ है जो आपके डैशबोर्ड को और एनहांस कर देता है। स्टीरियो हमने जो लगाया है वो ऑंकियो ब्रांड का, जिसकी ब्रांडिंग यहाँ पर हमारे को मिलती है। अच्छे स्टीरियो से हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा इंटरफेस हो, अच्छी साउंड क्वालिटी निकल के आ जाए। अगर हम अच्छे स्पीकर्स लगा रहे हैं तो उसके बाद उसकी पावर कंपैटिबल रहे, मैच करती रहे। तो एक फीचर यहाँ पर आपको दिखाऊंगा क्यों मैं आपको इसको अच्छा कह रहा हूँ। इससे अच्छे भी हैं, बट ये 2 GB रैम में बहुत बढ़िया स्टीरियो जो मुझे अभी तक लगा। इसके अंदर प्रॉपर जो DSP है यहाँ पर हमारा वर्क करता है। कोई इक्वलाइजर अलग चीज़ होती है, बट DSP इसको कहते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, जो यहाँ पर हमारे को पूरी पावर करता है। ये DSP का ही हमारी सेटिंग हो जाती है जो इसके अंदर हम कर सकते हैं। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा सेटिंग है जो हमारे को सराउंड में जाकर एक लाउडनेस ऑन ऑफ कर सकते हैं, एक हम सराउंड इसका ऑन ऑफ कर सकते हैं कि हमारे को एक कार के अंदर सराउंड म्यूजिक चाहिए। तो ये हमारे को इस रेंज के किसी भी एंड्रॉयड स्टीरियो में नहीं मिलता है, इसीलिए हमने ऑडिशन के स्पीकर्स डायरेक्ट इसके अंदर प्लग एंड प्ले किए हुए हैं। ये हमारा इसके अंदर अब ये जो बैंड्स वाला इक्वलाइजर होता है जिसके अंदर हमारे को प्री सेट भी मिलते हैं, बट हम लोगों ने अपने हिसाब से इसको सेट किया हुआ सो दैट कितनी ट्रेबल चाहिए, कितना बेस चाहिए, कितनी वोकल चाहिए, हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। रिवर्स कैमरा हम लोगों ने इसके अंदर ब्लॉपंग का लगाया है, फुल AHD जो नंबर प्लेट के ऊपर बेसिकली लगता है, उसकी क्लैरिटी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगी। प्लस ये लाइंस मूव भी करेंगे जब गाड़ी हम बैक करते हैं। जो इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन जैसे स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, इनको चलाने के लिए आपको इसको इंटरनेट देना पड़ेगा। प्लस Z-Link 5 की एप्लीकेशन है जिससे आप एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों वायरलेस ला सकते हो। जिनकी कार है वो हमारे साथ इधर बैठे हुए हैं, कल आए थे पूछने के लिए, कहते अच्छा सामान लगाना है, अभी आए लगाने के लिए। एक रिव्यू सर, आप कितनी देर आपको लगी सामान लगवाने में और आपने आवाज सुनी है, कैसा आपको रिजल्ट? बहुत अच्छा, मतलब आउटपुट बहुत अच्छा लगा मेरे को। इधर इधर मेरे मेरे फ्रेंड ने अभी कुछ दिन पहले ही काम करवाया, उसने ग्रैंड विटारा ली थी, तो उसकी कार देखी, मेरा बहुत मन हो गया। एंड अभी मेरी कार शोरूम से आई है एंड शोरूम से डायरेक्ट यहाँ पर आई है कार, तो सारा काम पहले VSA करवाया एंड फिटिंग बहुत अच्छी लगी। मेरा मेन कंसर्न यही था कोई वायर कटिंग ना हो और फिटिंग बहुत अच्छी हो जाए, तो सब कुछ 0-0 फिटिंग हुई है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम हुआ है, टाइम भी ज्यादा नहीं लगा। देखा ना वायरिंग करते हुए, कोई कटिंग कुछ नहीं हुई, मैं बिल्कुल सारा काम अपने सामने खड़े होकर करवाया एंड आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद द वर्क। और ऑडियो जो निकल कर आया, ऑडियो भी बहुत अच्छी निकल के हमें चाहिए था। आप डैम्पिंग नहीं करा रहे थे मेरे? डैम्पिंग, हाँ जी हाँ जी, मैं पहले डैम्पिंग के लिए मना कर रहा था सर को, सर ने कहा कि अभी करवा लो, मैं एक दो बेकार की चीजें करवा रहा था, उन्होंने कहा इसकी जगह उन्होंने सजेस्ट किया आप डैम्पिंग करवाओ, तो डैम्पिंग की वजह से अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा और बेटर हो गया, क्योंकि काफी मतलब हॉलो हॉलो सी डोर हैं इसके, अजीब सी साउंड आ रही थी, तो अब थोड़ा बेटर लग रहा है सुनने में आवाज, काफी डिफरेंस है। तो आपको मजा आया, बाकी ये पार्ट वन था सर ने, अगले पार्ट में जो बाकी का एक्सेसरी, क्योंकि बेलिनो एक ऐसी कार है जिसमें पता नहीं कितनी चीजें आप लगा दो
उसके बाद भी वो कम ही रहती है। तो अभी स्टार्टिंग ऑडियो सेटअप से हुई है, आगे जब सर दोबारा आएंगे तो दोबारा शूट करेंगे। इसके अंदर नेक्स्ट टाइम एम्पलीफायर सारी चीजें फिर से लगाएंगे, बेस ट्यूब वगैरह, एंड देन एक सेकंड पार्ट के साथ आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।